हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे, तो देख लीजिए। मैंने ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच रखी है, शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच है और आर्म होल की लंबाई 6 इंच है। ब्लाउज का साइज अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 3 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग कर लेते हैं। नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क करेंगे। दोनों मार्क को बिल्कुल बराबर करते स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब गले की लेंथ लेंगे। देखिए, मैं गले की लंबाई 10.5 इंच रख रही हूँ। मार्क करेंगे बिल्कुल बराबर में, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और गले की डिज़ाइन के लिए 1 इंच का कॉर्नर से मार्किंग करेंगे और राउंड नेक की मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने गले की मार्किंग जैसे कि अब ऐसे कटिंग कर देंगे। तो गले की मैंने कटिंग कर दिया है। ब्लाउज कपड़ा ले लेते हैं और इसके भी गले की सेम कटिंग कर लेंगे। तो गले को मैंने कट कर दिया है। दोनों को बराबर में रखेंगे और एक सिलाई लगाते हुए गले की पूरी अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने गले की पूरी स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। गले पे छोटे छोटे कट लगाएंगे, इससे जब गले को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन सेम आएगी। तो मैंने पूरे गले पे कट लगा दिया। अब इसको पलट कर सीधा करेंगे और एक सिलाई लगाते हुए गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख लीजिए, ऐसे फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। अब ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बराबर में रखेंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरे ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने देख लीजिए, ऑल राउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली ब्लाउज की कर दिया है। नीचे के साइड से ब्लाउज में ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो अच्छे से माप लेते हुए दोनों साइड से बराबर में ट्रक्स को स्टिच कर देते हैं। तो देखिए, दोनों साइड से ट्रक स्टिच हो चुका है। नीचे के साइड के फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे, ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते सिलाई लगा के पूरी स्टिचिंग कर देंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसी स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो मैंने देखी नीचे के साइड से पूरा स्टिचिंग कर दिया। ब्लाउज मेरा पूरा स्टिच हो चुका है। इस पर डिज़ाइन करेंगे। तो ब्लाउज साइड करते हैं और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये पट्टी ले ली। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है। दोनों साइड से पट्टी को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे। बीच में बिल्कुल बराबर में फोल्ड करते सिलाई लगा के इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेंगे पट्टी की। तो देख लीजिए मैं कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ पट्टी की, ऐसे बराबर में पूरी स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो मैंने कम्प्लीटली पट्टी की पूरी एक साइड से स्टिचिंग कर दिया है। दूसरी साइड से भी सिलाई लगाते हुए पट्टी की पूरी बराबर में एक सिलाई लगा के स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो दोनों साइड से मैंने पट्टी को स्टिच करके कम्प्लीटली बना दिया। अब इसको डिज़ाइन बनाने के लिए कट करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं 1.5 इंच की लंबाई पर इसको बराबर में फोल्ड कर रही हूँ। जितने पार्ट्स आ सके उतने पार्ट्स में फोल्ड कर दीजिएगा। अब इसको कट करके अलग अलग कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने पट्टी को कट करके अलग अलग कर दिया है। अब इसको साइड करेंगे, ब्लाउज ले लेते हैं। ब्लाउज के गले पे पट्टियों का लूप्स बनाते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो पट्टी लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और देखिए गले पे रखते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो जैसे मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ, ऐसे स्टिच करते हुए बना दीजिएगा डिज़ाइन को। और लूप्स मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ, बीच में गैपिंग भी दे रही हूँ। इस तरीके से गैपिंग देते हुए लूप्स को स्टिच कीजिएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं गले पे कैसे इस लूप्स को स्टिच कर रही हूँ। ऐसे आप पूरे गले पे लूप्स को स्टिच कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए कम्प्लीटली पूरा गले पे लूप्स को स्टिच कर दिया है। अब इस पे हमें डिज़ाइन करना है। तो पहले हम मार्किंग कर लेते हैं डिज़ाइन का। तो देख लीजिए, जैसे मैं मार्क कर इस तरीके से पहले एक साइड से मार्क कर दीजिएगा और मार्क को थोड़ा डार्क कर देंगे। इसके बाद इसको दूसरे साइड से भी इस तरीके से पलट कर देखिए, दूसरे साइड से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो मार्किंग आ जाएगी। देख लीजिए मैं कैसे प्रेस करके बना रही हूँ मार्किंग को। दूसरे साइड ऐसे कर दीजिएगा तो दूसरे साइड जो मार्किंग आई उसको डार्क कर देंगे।
ये दोनों साइड से मार्क हो चुका है। इसी मार्क के ऊपर से लेस लगाएंगे। तो पहले हम गले पे लेस को लगाएंगे। तो देख लीजिए मैं गले पे कैसे लेस की स्टिचिंग करें, ऐसे बराबर में स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो मैंने गले पे लेस की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। अब जो मैंने मार्किंग किया उस पे उस जगह से हम डिज़ाइन करेंगे। तो आप वीडियो में देखिए मैं कैसे डिज़ाइन कर रही हूँ, इस तरीके से डिज़ाइन कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए एक साइड से लेस की पूरी स्टिचिंग कर लिया है। अब दूसरी साइड से भी डिज़ाइन करेंगे। तो आप वीडियो में देखिए कैसे दूसरे साइड से डिज़ाइन कर रहे हैं, इस तरीके से दूसरे साइड से भी डिज़ाइन कर दीजिएगा। तो दोनों साइड से मैंने अच्छे से लेस की स्टिचिंग कर दिया है। ब्लाउज़ पूरा देखिए मेरे कंप्लीट है। अब इसको साइड करेंगे और डिज़ाइन आपको बनाकर दिखाएंगे। तो मैंने ये कुछ फैब्रिक ले लिया जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच रखे हैं। इसको देखिए फोल्ड करते हुए फैब्रिक को बनाएंगे कॉर्नर से। तो आप देख लीजिए मैं कैसे कॉर्नर से फोल्ड करते हुए स्टिच कर रही हूँ। इस तरीके से डिज़ाइन को बनाते हुए पूरा नीचे के साइड से स्टिच कर दीजिएगा। तो आपको समझ में आई होगी मैंने ये डिज़ाइन कैसे बनाई। ऐसे पूरा बना देते हैं। तो मैंने ये देख लीजिए पूरा डिज़ाइन बना दिया। अब इसको कट करके अलग अलग कर देंगे। अब इस डिज़ाइन को देखिए हम साइड करेंगे। इसका हमें डिज़ाइन करना है ब्लाउज के साथ में, तो इसको साइड कर देते हैं और ब्लाउज़ ले लेते हैं। तो ब्लाउज़ मैंने ले लिया। ब्लाउज के नीचे के साइड से डिज़ाइन करेंगे जो मैंने अभी बनाया हुआ है। तो आप वीडियो में देखिए कैसे उससे डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा वीडियो में अगर आप अच्छे से देखेंगे। तो देख लीजिए मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ, इस तरीके से स्टिच कर दीजिएगा बनाते हुए डिज़ाइन को। तो यहाँ से देखिए बराबर में उसके बिल्कुल मैं स्टिच कर रही हूँ। अब मैं आपको कुछ डिज़ाइन ऐसे ही स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ, आप समझ लीजिए अच्छे से। ऐसे हम पूरा स्टिच कर देंगे। तो अगर आपको इस तरीके से ना स्टिच करना हो तो आप अलग से भी इस फ्लावर को बना के स्टिच कर सकते हैं। तो अलग से आप निडल की सहायता से इस फ्लावर को बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने स्टिचिंग करते हुए फ्लावर को पूरा ब्लाउज के साथ में बना दिया है। ब्लाउज को डेकोरेट करना है तो पहले जो लूप्स हमने बना रखे हैं उसमें डोरी डाल लेंगे। तो डोरी ले लेते हैं, लूप्स के बिल्कुल मिड से डोरी को निकाल लेंगे। तो आप देख लीजिए मैं मिड से कैसे डोरी को डाल रही हूँ, इस तरीके से बराबर में लूप्स के मिड से डोरी डाल दीजिएगा। तो देखिए मैंने डोरी को बिल्कुल लूप्स के मिड से पूरा डाल दिया है। डोरी को पूरा सेट कर लेते हैं, जितनी डोरी चाहिए उतना रख लीजिएगा। तो मैंने गले पे डोरी डाल दिया है। अब जो फ्लावर बना है इसमें एक कोई भी सो बटन लगा दीजिएगा। तो मैंने ये बटन लगा दिया। मेरा ब्लाउज डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कम्प्लीट है। अगर आपको ये डिज़ाइन मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन से, जो ऐसे ही सिंपल और ईजी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।